एक तरफ एक माँ है और एक तरफ एक नेता, वही नहीं साहब आपके लिए बात कठिन तो होगी? क्या आप भी अपने बेटे के लिए सजा मांग रही हैं? माँ है पर जनता की पहले, फिर अपने औलाद की। देखिए दर्द सहेगी लेकिन गलत नहीं होने दी। पुत्र मुंह में आके अपने वोटर्स को टोपा नहीं पहनाने वाली है। देख रही हो, जैसा मैंने सोचा था, अपनी आंखों के सामने नजारा देखो। अब बेचारे तन्मय को इसके लिए थोड़ा भुगतना पड़ेगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। बाबा, तन्मय बचपन से ही सत्या की परछाई रहा है, उससे डर कर छिप कर। बाबा, तन्मय की परवरिश ही गलत हुई है। और बाबा, आपको याद है जब बचपन में सत्या उसे टॉर्चर करता था तो आप उसकी साइड लेते थे, उसका पक्ष लेते थे, उसे बचाते थे। और आज आप ही क्या कर रहे हैं? बच्चे वो मेरी औलाद है, मेरा वारिस है। मैं जैसा चाहेगा वैसा बनेगा वो। बाबा, आपके दिल में दया करुणा जैसे भाव थे, कहाँ गए वो? बाबा, आपको याद है जब बचपन में आपने मुझे आजू बाबा के प्यार की दुहाई देकर वो क्या था, छोटा कॉप, छोटा सिटीजन कॉप कॉन्टेस्ट, हाँ, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए समझाया था, याद है आपको? जब तक वो आपकी लाडली आर्या ना हिस्सा लेने के लिए राजी नहीं हो जाती है, आपको ना तो पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा। और बाबा, एक बार जब मैं चीटिंग करने के लिए तैयार थी तो आपने क्या कहा था? आपने रोका था, मुझे समझाया था। आपने कहा था कि आर्या, जीत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। हो सकता है कि कभी कभी तुम जीत जाओ उसका सहारा लेकर, लेकिन वो जीत तुम्हारी जीत नहीं होगी, हार होगी तुम्हारी। तेरी ये एक जीत तेरी आई की परवरिश की हार होगी। और वो हार सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारी आई की परवरिश की हार होगी वो। और बाबा, आज आपने जो किया है वो भी तो चीटिंग ही है ना बाबा। बाबा, मैं जानती हूँ ये सब जो है ना, ये 14 साल के दर्द और गुस्से का नतीजा है। आई अंडरस्टैंड बाबा, लेकिन हाउ आई विश कि मैं वहां आपकी जगह ले सकूं। नहीं, दोबारा ऐसी बात मत बोलना आर्या, कभी नहीं, समझी? नरक थे वो 14 साल मेरे लिए। और उस नरक की आग में जल के अंकुश जल के राख हो गया। ये जो नया अंकुश आया है ना, जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है, वो उसी आग में जल के लोहा बन चुका है, जो सिर्फ और सिर्फ बदला जाता है। इस नए आवरण के पीछे मेरे बाबा है, ये मैं जानती हूं। एक योद्धा कभी मरता नहीं। आप ही ने कहा था ना बाबा, तो आपको मेरे लिए मेरे बाबा को जगाना होगा, उन्हें वापस लाना होगा। याद है बाबा, आपने मुझे जीत का गुरु मंत्र दिया था। क्या कहा था आपने? शत्रु पर विजय, एक ही लक्ष्य, एक ही मंत्र, शत्रु पे जीत, शत्रु पे जीत, शत्रु पे जीत। बाबा, सत्य और कस्तूरी वैसे भी दूर होने लगे हैं, उनके बीच दरार पड़ चुकी है। बाबा, हमारे पास अब भी वक्त है, हम तन्मय को बचा सकते, उसे जेल के बाहर ला सकते। प्लीज बाबा, प्लीज, प्लीज। दिमाग ठिकाने पे है ना तुम्हारा? भावनाओं में आकर अपने अंदर की आग को बुझने मत देना आर्या।
बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तन्मय को कोई नहीं बचाएगा, ना मैं ना तुम। और इस बार अगर मैं खिलाफ कही हो ना तुम, तो तुम जानते हो क्या होगा। अपने बाबा की शक्ल दोबारा नहीं देख पाओगे तुम। याद रखना, ये ऐसे करेगी तू राजनीति? ऐसा सीएम बनेगी? और ये तेरी सहन शक्ति? तन्मय की गिरफ्तारी का फायदा उठाया आपने, आपका अपना बेटा, अपना खून, मदद करना तो दूर, उसकी गिरफ्तारी पर हमदर्दी बटोर रहे हो। तेरा बेटा? हमारा बेटा, और हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं करके भी है ना, तेरा लड़का बहुत काम आया है। जेल में जाना शायद उसके लिए सही है, और वैसे भी बहुत ऐश कर लिया ना उसने मेरे और तेरे खर्चे के ऊपर। पड़े रहेंगे थोड़ा टाइम, अंदर अक्कल ठिकाने आ जाएगी, और इलेक्शन तक अंदर रहेगा ना तो अपने सबके लिए फायदा है। नहीं कर सकते आप ऐसा, नहीं करेंगे आप। सुना आपने? चिल्लाने से वो छुटके बाहर नहीं आ जाए। निर्दोष है, वो ड्रग्स नहीं करता, नशा नहीं करता। मैं जानती हूं उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। चलिए मैम, अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। तुम मेरी मदद करोगे? बिल्कुल करूंगा मैम, और इसलिए नहीं क्योंकि आप कोई परिवार हैं या कोई टीम, बल्कि इसलिए कि मैं खुद भी जानता हूं कि तन्मय ड्रग्स नहीं करता है। अगर वो ड्रग्स करता होता तो मुझे पता होता। थैंक यू, थैंक यू। मैं सोनिया को लेकर उसका भी रो रो के बुरा हाल है। मैं अभी थी। जरा रूम में आना। What now, Arya? अब किसको फंसाने की फिराक में हो? तन्मय को तो फंसाई दिया तुमने, अब कौन है तुम्हारे रेडार में नेक्स्ट? सही है, मैंना का की है या मैं हूं? Listen, Yuk, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम कर क्या रही हो? मैं तुम सत्या से लड़ तो रहे थे, इतनी गिरी हुई हरकत। देखो आर्या, तुम अच्छे से जानती हो कि जई और तन्मय दोनों बुरी परवरिश के शिकार है। तन्मय लाख बुरा हो सकता है, कोई नशेड़ी नहीं है वो। Listen, just please leave me alone, please. नहीं, मुझे जवाब चाहिए आर्य। और तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम सत्या को बर्बाद कर दोगी? वेल मैडम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी चाल उल्टी पड़ गई है। बाहर जाके देखो, उसने इसका भी इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। महानता की मूरत बना घूम रहा है वो। तुमने उसका इलेक्शन कैंपेन और स्ट्रॉन्ग कर दिया आर्या। कंग्रेचुलेशंस। पता नहीं अचानक मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे ना तो मैं तुम्हें जानता हूं ना तुम्हारे प्लान्स को। मेरे बचपन की जो दोस्त थी ना,
जिद्दी थी पर जीतने के लिए इतनी गिरी हुई हरकतें नहीं करती थी वो। शायद वो उसी दिन मर गई थी और जो मेरे सामने है वो कोई और ही है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप तन्मय को जमानत तो दे ही सकते हैं ना। देखिए इन्वेस्टिगेशन तो चली रही है और हमने कब कोऑपरेट करने से मना किया है? हमारा पूरा कोऑपरेशन रहेगा। माफ कीजिएगा, सबूत पुख्ता मिले हैं तो जमानत नहीं हो सकती है। सर, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, वो निर्दोष है। हाँ सर, उसे फंसाया जा रहा है। अगर तन्मय नशा करता तो मुझे पता होता। सॉरी मैडम, पर इस समय कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है, हमें तन्मय राजवत्कर को बेल पे छोड़ना होगा। क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? उनसे पूछिएगा कि क्या उन्हें उस बैग पर तन्मय के फिंगरप्रिंट्स मिले? क्या बैग पे तन्मय के फिंगरप्रिंट्स मिले? वो बैग के ऊपर तो है पर उसके अंदर नहीं। वहाँ नहीं, राइट? नहीं, अंदर तो फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। फिर उनसे पूछिएगा कि क्या उन्होंने तन्मय का ड्रग टेस्ट किया और अगर किया है तो उसका रिजल्ट क्या आया? क्या तन्मय के सिस्टम में ड्रग के ट्रेसेस मिले हैं? नहीं, सिस्टम में तो ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। सर, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा बेटा ड्रग्स नहीं करता। हाँ सर, वो निर्दोष है, हम कह रहे थे। और सर, फिर भी आप तन्मय को बेल डिनाई कर रहे थे। बेल तो छोड़िए, तन्मय को अरेस्ट किया कैसे, किस बेसिस पे? उनसे कहिएगा NDPS एक्ट के सेक्शन 37 के अनुसार अगर तन्मय दो शर्तें पूरी करता है तो उसे तुरंत बेल मिलनी चाहिए। पहली शर्त, ये मानने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है। और दूसरी शर्त, यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि आरोपी आगे चलकर अपराध नहीं करे। मैंने पहली शर्त तो पूरी कर दी है, दूसरी शर्त? दूसरी शर्त तन्मय खुद पूरी करेगा। तसल्ली हो गई सर आपको, अब प्लीज आप तन्मय को ले आइए। प्लीज। तन सब सब ठीक है? हाँ सब ठीक है बेटा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। सब भेजा आपको? सॉरी सर, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो सिर्फ केस के डिटेल्स मिले हैं, पेमेंट मिला है। हाँ, एक लेटर में तन्मय सर को डिपेंड करने को बोला गया है। ऐसा कोई तो है जो जानता है तन्मय सर निर्दोष है? वो जो कोई भी है वो लॉ को बखूबी जानता है। ऐसा कौन हो सकता है? मुझे अंदाजा है वो कौन है। हम सॉरी बाबा, लेकिन आपके लिए जितना प्यार इतना आदर है कि आपके गुस्से के खिलाफ जा सकती हूँ, लेकिन आपकी सीख आपकी ट्रेनिंग के खिलाफ नहीं। सॉरी आर्या, बहुत भला बुरा बोला ना मैंने तुझे। अरे मुझे पता होना चाहिए था कि आर्या कभी कुछ गलत नहीं करेगी, किसी निर्दोष को कभी सजा नहीं होने देगी। बहुत अच्छा किया तुमने आर्या, बहुत अच्छा किया।
मुझे पता ही नहीं तो किस बारे में क्या बात कर रहा है। तन्मय को बचाना ही था तो उसे गिरफ्तार क्यों करवाया? मैंने उसे गिरफ्तार नहीं करवाया था। तो किसने करवाया था आर्य? तुम्हें तो पता होगा ना? नहीं। क्या तुम्हारे चेहरे पे ना साफ नजर आता है ये टेंशन, ये छटपटाहट तुम्हारे चेहरे पे दिखती है। तुम अब वो पहली वाली आर्या नहीं रही। बताओ ना आर्या, कहीं जान काका को कुछ तो नहीं माना? अरे इसे बचाने की कोशिश कर रही हो तुम? बोल ना, कहा मुझे आर्या? अरे मैं हूं, मैं तेरा है क्या? बताना मुझे। अब इस बार अगर मेरे खिलाफ गई हो ना तुम, तो तुम जानते हो क्या होगा। अपने बाबा की शक्ल दोबारा नहीं देख पाओगे तुम। बस करना है क्या? एक तू दोस्त है ना, तू दोस्त मन के रहे। मैं तेरे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बंदी नहीं है, समझा? दोस्त बन के रहो, तू मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बंदी नहीं है। नहीं, ठीक है, तू बहुत जिद्दी है ना आर्या, मैं भी कुछ कम नहीं हूं। सच तो मैं जान के ही रहूंगा, चाहे तू मुझे बताए या ना बताए। हे भगवान, अगर ये क्या बाबा तक पहुंच गया तो? नहीं 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 नहीं, इसे बाबा के बारे में नहीं पता चल सकता। वैसे भी तन्मय की बेल के बारे में सुन के बाबा बहुत गुस्से में होंगे। उसमें अगर ये क्या कहा, मुझे इसे रोकना होगा। ब्रेकिंग न्यूज, तन्मय राज्यवर्धन को ड्रग्स पोजीशन के मामले में जमानत दे दी गई है। लेकिन ये काफी चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि सत्या और कस्तूरी राज्यवर्धन पहले ही घोषणा कर चुके थे कि वो लोग कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करेंगे और तन्मय की जमानत के लिए अर्जी नहीं देंगे। तो क्या वो वादा झूठा था या तन्मय वाकई निर्दोष है? किसने करवाई उसकी बेल? सूत्रों का कहना है कि तन्मय राज्यवर्धन के निर्दोष होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिले हैं जिसके आधार पर उसे हिरासत में रखा जा सके। बाबा आई एम सॉरी। बाबा मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। आई नो आप गुस्सा होंगे, लेकिन इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात? तो तुमने वो किया जो तुमको ठीक लगा, which is fair enough. अब मैं भी वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। चंदा का
बाबा आप क्या करने वाले हैं? मुझे कुछ नहीं पता। तुम अपने आँख और कान खुले रखना, मैं भी अलर्ट रहूंगा। अगर जो आदमी एक निर्दोष को जेल भेज सकता है बदला लेने के लिए, वो आगे कुछ भी कर सकता है। तूफान के पहले की शांति है ये। पता नहीं बाबा के मन में क्या है, पर मेरा मन कह रहा है कि कुछ खतरनाक होने वाला है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.